नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका अरिजोन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का प्रैक्टिकल है मेजर बोर्स ऑफ ए गिवन सैंपल यूजिंग इंटरनल माइक्रोमीटर्स। आप जैसे कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे एक इंटरनल माइक्रोमीटर है और मैंने यहाँ पे एक वर्नियर रखा है। वर्नियर के लिए मैंने ये सैंपल रखा है और माइक्रोमीटर के लिए ये सैंपल रखा है। इसके साथ बोर गेज भी देखने थे, लेकिन आज बोर गेज अवेलेबल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लेता हूँ। तो बेसिकली आपको इस प्रैक्टिकल में करना क्या है, आपको जैसे माइक्रोमीटर पता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, एक इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। आप जो सामने देख रहे हो वो आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है। कभी कभी कैसा होता है कि आप क्या करते हो, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर का यूज़ कर लेते हो, लेकिन अगर आपका इंटरनल डायमीटर है कुछ आपको मेजर करना है और वो प्रिसाइजली मेजर करना है आपको इंडस्ट्री में, तो आप क्या करते हो, माइक्रोमीटर या बोर गेजेस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो वही देखते हैं कि इसका प्रोसीजर कैसे करना है ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। अभी इसके पहले क्या करना है, आपको जो वर्कपीस का इनसाइड जो सरफेस रहेगा वो क्या करना है, आपको क्लीन करना है। चेक द इनसाइड माइक्रोमीटर एंड डायल बोर इंडिकेटर फॉर एरर्स लाइक प्ले इन द मेजरिंग जॉ। आपको जो बोर गेजेस रहते हैं या जो माइक्रोमीटर रहते हैं उसमें कुछ जॉ में कुछ एरर है क्या वो देख लेना है। अगर कुछ एरर है तो वो क्लियर कर लो। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकाल लो। होल्ड द बोर होल ऑफ ए कंपोनेंट इन द जॉज एंड एनविल। नोट डाउन द रीडिंग्स ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। टेक द रीडिंग फॉर थ्री कंपोनेंट बाय इनसाइड माइक्रोमीटर एंड डायल बोर इंडिकेटर एंड कैलकुलेट द रीडिंग। ऐसा प्रैक्टिकल है, तो अभी क्या कर लेते हैं आप, अभी बोर गेज तो नहीं है लेकिन आप वर्नियर से कोई भी एक आधा जॉब का जो इंटरनल रहता है डायमीटर वो कैसे मेजर करते हैं वो दिखाता हूँ। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उसके दो जॉज है, तो आपको क्या करना है, जॉज ऐसे वर्कपीस में रख देना है और फिर उसको ऐसे स्लाइटली मूव करना है। मूव करने के बाद आपका ये जो ऊपर का ये रहेगा, स्क्रू रहेगा, उसको क्या कर दो आप, टाइट कर दो। और फिर इसका जो लिस्ट काउंट है, ये वर्नियर का लिस्ट काउंट है आपका 0.05। तो आप रीडिंग देख सकते हो, यहाँ पे रीडिंग देख लेते हैं कितना है। अभी ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ज़ीरो जो है वो 44 के आगे है थोड़ा सा, मतलब ये जो मेन स्केल रीडिंग है वो 44 है। और अभी कौन सा लाइन मैच हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, वही 1 का लाइन मैच हो रहा है। तो क्या है आपका ये जो रीडिंग है, मतलब 44 प्लस कितने नंबर का लाइन है, 44.1 आपका रीडिंग है ये। ठीक है, तो अभी सेम आपको अगर इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो आपको क्या रहता है, ऐसे एक इनसाइड माइक्रोमीटर रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे एक इनसाइड माइक्रोमीटर रहेगा और इसका रेंज क्या है, 5 mm से लेके 30 mm तक उसका रेंज है। तो ये इसका मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, जैसे आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर का है सेम वैसे ही। लेकिन इसका अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ, तो वो क्या हो रहा है, बाहर ये जो दो जॉज है वो क्या हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। तो अभी यही रीडिंग लेना है, जो सामने जॉब है उसका रीडिंग ले लेते हैं और वो कितना है वो देख लेते हैं। अभी इसका जो रीडिंग है वो देख लेते हैं कितना है, आप सामने देख सकते हो कि ये कैसा है, रिवर्स है ये। ठीक है, मतलब अभी देखो ये 15 है, 15 14 13 12, मतलब ये 12 11, अभी कैसा है देखो, ये 15 का लाइन है, 15 के बाद 14 14 है, 13 है, 12 है, 12 है और 11 का लाइन रहेगा, 11 का लाइन रहेगा और नीचे का जो लाइन है आपका, वो नीचे का लाइन भी कवर हो चुका है, मतलब वो आपका जो रीडिंग है वो 11 अगर यहाँ पे आता है तो वो 11.5 है। तो 11 पॉइंट आपका रीडिंग जो है 11.45 आपका रीडिंग है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, उसका रीडिंग्स भी लेना है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।